अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको पुराना मॉनिटर दिखाना चाहता हूँ। अभी आप देख पाएंगे ये फ्यूटेक कंपनी का मॉडल है। अभी आप देख पाएंगे इसके ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है फ्यूटेक कंपनी का। काफ़ी दिन मैं इसका इसको यूज़ कर रहा हूँ, करीबन मुझे 4 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, और काफ़ी अच्छा ये मॉनिटर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप इसकी एडिटिंग या आपके कोई कलर करेक्शन करना चाहते हो तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखने के इस तरीके से देखने के बाद अच्छा दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा वाइट या ब्राइट दिखाई देता है, ऐसा कुछ एरर आता है इसमें। तो एक नॉर्मल एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको चेंज करने वाला हूँ अभी। तो मैंने नया ले लिया है, तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई देता हूँ कौन सा मॉनिटर होने वाला है। तो इसको हम चेंज करने वाले और दूसरे मॉडल के साथ, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये बड़ा बॉक्स है, और बड़े बॉक्स के अंदर ये हमारा बॉक्स है, और एक कंपनी आप देख सकते हो HP की, आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है मतलब कि केबल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मतलब कि मॉनिटर को लगाने के लिए होता है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये है VGA केबल जो कि आप देख पा रहे होंगे, और ये है चार्जर जो कि मॉनिटर को लगाना पड़ता है। उसके साथ आता है HDMI केबल, ये देख सकते हो कि HDMI केबल। उसके साथ आता है एक गाइड जो कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाला दोस्तों। उसके साथ एक आता है स्टैंड जो कि आप देख पाएंगे, इसको मैं ओपन करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको उसमें इस बॉक्स में क्या क्या और निकल के आता है आपको दिखा देता हूँ। ये स्टैंड के जो होता है वो यहाँ पर दिखाई दिए। तो इस बॉक्स के अंदर पूरा आपने देख लिया, इसको मैं फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख पाएंगे इसमें कोई नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है। यहाँ पे कुछ दिखाई दिया, अभी आप देख पाएंगे। ये एक प्लेट है जो कि स्टैंड है पूरी तरीके से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देख पा रहे होंगे कि पूरा स्टैंड है, आपको इसको लगाना होता है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इस बॉक्स को भी मैं साइड को रखता हूँ। तो ये रहा हमारा, ओ माय गॉड, काफ़ी हेवी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा निकल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे मैं ओपन कर रहा हूँ हमारे मॉनिटर को, ओह माय गॉड। तो अभी आप देख पाएंगे ये रहा हमारा मॉनिटर, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मॉनिटर। आपने देखा इस मॉनिटर को, HP का मॉनिटर, अभी आप देख पाएंगे पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, और कई यहाँ पर केबल्स वगैरह है, इसको भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे PC के साथ देखने को मिलता है।
यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत ही क्वालिटी का ये मॉनिटर है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा मॉनिटर, आपने अनबॉक्सिंग देख ली, और इसके साथ मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, मेरे पीसी के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ ओपन करके किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है। और दोस्तों प्राइस भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखिए पाएंगे। बहुत ही स्लिम ये मॉनिटर है और उसके साथ कई सारे केबल्स यहाँ पर आ चुके हैं, और आप देख पाएंगे यहाँ पे कई सारे केबल्स यहाँ पर उसके साथ आ चुके हैं। तो ये केबल्स को हम लगाएंगे और पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है। पुराना हमारा जो मॉनिटर था फ्यूटेक कंपनी का, तो उसको हम हटाएंगे और इस मॉनिटर को हम लगाएंगे। तो गाइस अभी आप देख पाएंगे ये हमारा एचपी का मॉडल है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इस मॉनिटर को हटा देता हूँ ताकि ये पुराना हो चुका है। इसको मैं साइड में रखने वाला हूँ और इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसको साइड में रखने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसके केबल्स वगैरह सारे कुछ हटा देता हूँ और इस केबल को इस मॉनिटर को केबल वगैरह लगा देता हूँ। तो सबसे पहले इस मॉनिटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पे केबल्स वगैरह लगाने होते हैं, यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो HDMI केबल ये रहा, तो इसको यहाँ पे लगाना है। और VGA केबल बोलते हैं, तो VGA केबल यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये रहा VGA केबल, एक नया आ चुका है। तो मैं पुराना वाला नहीं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं न्यू मॉडल के साथ, मतलब कि ये ब्रांडेड कंपनी का होता है, इसलिए मैं इसको ही यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। लगाने के लिए के आपको थोड़ा सा प्रेस करना है और यहाँ पे आपको इस रोटेट करना है। तो हमारा सेट हो चुका है, अभी आप देख पाएंगे। ओके, और ये रहा पावर केबल, इसको भी हम लगाएंगे। ये रहा हमारा पावर केबल, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इस पावर केबल को लगाने के लिए आपको करना क्या है, ये रहा पावर केबल, इसको आपको यहाँ से इस तरीके से प्लग करना है। तो ये रहा हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से ये रहा, इसको आपको लाइट के अंदर लगाना होता है। इसको लगाने के लिए यहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा, चलिए मैं देखता हूँ कहाँ पे, ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको लगाना है, लग चुका है। तो उस मॉनिटर को हटा देता हूँ और इसको मैं लगाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्वालिटी किस तरीके से देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा पूरी तरीके से मैंने सेटअप कर लिया है, ये हमारा रहा मॉनिटर, मॉनिटर को हमारे पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है और पूरे केबल्स को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो इसको ऑन करता हूँ, अभी आप देख पाएंगे इस यहाँ पे मैंने UPS को सेट कर लिया है, तो अभी आप देख पाएंगे बिप को आवाज। तो चलिए अभी आप देख पाएंगे इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, लाइट सप्लाई है कहाँ पे है, हमारे पीसी को मैं ऑन करता हूँ। तो अभी आप देख पाएंगे हमारा पूरा सेटअप चालू हो रहा है, इसको पीसी को मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको ऑन करता हूँ और ये रहा हमारा मॉनिटर, मॉनिटर को ऑन होने देते हैं। तो पता नहीं अभी तक मॉनिटर चालू नहीं हुआ है, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। अभी तक हमारा मॉनिटर ऑन नहीं हुआ है, एक बार हम इसको प्रेस करते हैं ताकि ये चालू हो जाए, पता नहीं। हाँ ओके, तो गाइज अभी आप देख पाएंगे ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप देख पाएंगे ये हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है, प्रेस वन में प्रेस करता हूँ तो ये हमारा पूरी तरीके से ऑन हो रहा है। अभी यहाँ पर विंडो स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है, कुछ टाइम वेट करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी आप देख पाएंगे ओपन हो चुका है, इसका पासवर्ड मैंने सेट कर लिया, पासवर्ड फटाफट से इंटर कर लेता हूँ। इंटर हो चुका है पासवर्ड, अभी आप देख पाएंगे ओपन हो रहा है हमारा डेस्कटॉप। तो चलिए आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही होगी और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और आप भी देख कर हैरान होंगे कि कितनी ज़्यादा क्वालिटी आई। तो दोस्तों मेरे पास है एक मतलब कि माउस, और माउस को यूज़ कर रहा हूँ HP का ही, और PC है मेरा डेल का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइट नहीं जल रही। तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, इसको
लगा लेता हूँ ताकि फिर से लाइट का इशू सॉल्व हो जाए। कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे माउस के साथ, माउस में लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, USB को फिर से एक बार लगा लिया तो माउस में भी लाइट आ रही है। तो अभी मेरा माउस है HP का, और अभी आप देख पाएंगे मेरा PC है, PC डेल का है, और मॉनिटर अभी हमने परचेस किया है, मॉनिटर है HP का मॉनिटर है। अभी आप देख पाएंगे क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो चलिए मैं एक बार ओपन करता हूँ, एक फ़ोटो को ओपन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास, तो एक फ़ोटोज़ में ओपन करता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ज़्यादा क्वालिटी का फ़ोटो है नहीं, लेकिन तब भी मैं ओपन करता हूँ। चलिए मेरे पास मेरा ही फ़ोटो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे रियल क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको, आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मतलब कि ये है डेस्कटॉप, जो कि आप परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस देखने को मिल रहे होंगे, वो देखने को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट से वहाँ पर जाकर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हो, वहाँ पर मैंने मैंशन किया है, जाकर आप परचेस कर सकते हो, लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करके आप इसी मॉनिटर को परचेस कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से बहुत वर्क कर रहा है, एक बार मैं फ़ोटो को एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, कलर दिखा देता हूँ, देखिए आप कितनी अच्छा क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। ओके तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी नॉलेज जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी एक वीडियो मैं लाऊंगा इसके कई सारे फीचर्स के बारे में, आपको एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करने से हमारा और नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।